सो दोस्तों आज हमारे पास है 2022 मॉडल बजाज की प्लेटिना 110 कॉम्फर्टेक। आज हम इसके बारे में जानने वाले बहुत ही कम समय के अंदर। सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी ओवरऑल प्राइस आपको मुंबई की पड़ने वाली 83,000 रुपये के आसपास। अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में। सो ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे दिखने वाली। हेडलाइट आपको हालोजन मिल जाते हैं, इंडिकेटर आपको मिलने वाले हालोजन बल्ब जो कि फ्लैक्स पर रहेंगे, DRL आपको LED मिल जाता है, नकल गार्ड आपको मिलने वाले, मिरर ये कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। सो ओवरऑल ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे दिखेगी। नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगा, ये रहा इसका मडगार्ड। और अभी हम साइड प्रोफाइल देख लेते हैं तो साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। यहाँ पे आपको स्टिकर वर्क मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको स्टिकर वर्क मिलने वाला है। फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिल जाएगा टेलीस्कोपिक फोक जो कि 31 mm का रहने वाला है। रियर में आपको सस्पेंशन मिल जाएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। अभी हम फ्रंट की बात कर लेते हैं। आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा, एलॉय व्हील मिल जाएगी 17 इंच की, ड्रम ब्रेक आपको मिलने वाला है, CBS ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलने वाला है। और ये रहा इसका इंजन, आपको मिल जाता है 110 cc का, जिसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक 2 वॉल्व एयर कूल EFI और साथ में आपको मिल जाता है 5 स्पीड गियर बॉक्स। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेग गार्ड आपको ऐसे मिलने वाला है, किक आपको मिल जाती है, ये आपका राइडर फुटरेस्ट, ब्रेक पैड, टैंक ऐसा आपको मिलने वाला। प्लेटिना की ब्रांडिंग जो कि बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है ब्लू कलर के स्टिकर के साथ में। यहाँ पे भी आपको स्टिकर मिलने वाला है। सीट कॉल पे आपको 110 कॉम्फर्टेक की ब्रांडिंग मिल जाएगी, फुटरेस्ट आपको यूनिक सा मिल जाएगा। और ये रहा इसका साइलेंसर। और ये रहा इस बाइक के राइट साइड का फुल व्यू। राइट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। अभी हम इसके सीट कॉल की बात कर लेते हैं। ये रहा इस बाइक का सीट कॉल। टेल लाइट आपको हालोजन बल्ब मिल जाएगी, इंडिकेटर बल्ब मिलने वाले हैं। सो रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। अभी हम इसके लेफ्ट साइड की बात कर लेते हैं। ये रहा सीट कॉल, 110 कॉम्फर्टेक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, सारी गार्ड आपको मिलने वाले, लेडीज फुटरेस्ट, सस्पेंशन आप देख सकते हो, चैन कवर आपको मिल जाएगी, ये रहा आपका प्लेन राइडर फुटरेस्ट, साइड स्टैंड, डुअल स्टैंड, साइड इंजन का टॉप सेंसर मिल जाएगा। ये रहा इसका इंजन, आपको फुली ब्लैक कलर मिल जाएगा, पेट्रोल टी यहाँ पे मिलने वाली, प्लेटिना की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ऐसा कुछ आपको स्टिकर वर्क मिलने वाला है। ये रहा इस बाइक के लेफ्ट साइड का फुल व्यू। लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। अभी बात कर लेते हैं इसकी सीट के बारे में। ये रही इसकी सीट, आपको सिंगल सीट मिल जाती है जिसमें आपको कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। अगर राइडर की बात करें या पिलियन राइडर की बात करें, एज अ ग्रेब्रेल आप इसे यूज कर सकते हो आसानी से। ये रहा फ्यूल टैंक, आपको मिल जाएगा 11 लीटर का, माइलेज आपको मिल जाएगी 65+। मीटर कंसोल की बात करें तो आपको फुली एनलॉग मिलने वाला है, जहाँ यहाँ पर आपको स्पीड बताएगा, ऑडोमीटर, फ्यूल का, बाकी के ये सारे आपको इंडिकेटर मिलने वाले हैं। हैंडल बार की बात करें तो ये टोटल ब्रेक, लीवर, नकल गार्ड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, हेडलाइट की स्विच मिल जाएगी, सेल्फ का ऑप्शन मिल जाएगा। इधर के स्विचेस की बात करें अपर डिपर इंडिकेटर, हॉर्न, आपका पासिंग लाइट, क्लच, लीवर, मिरर का व्यू आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है। इस बाइक में आपको बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 200 mm का। इसका वेट आपको मिलने वाला 122 kg के आसपास। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं ये बाइक और ये कलर कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।